समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर अपहरण मारपीट धमकाने का केस दर्ज हुआ है। रवि कुमार तिवारी की तहरीर पर अजीत प्रसाद के साथ साथ राजू यादव, श्रीकांत राय और 10-15 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मिल्कीपुर चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने फंसाने की साजिश रची है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे समाजवादी पार्टी का चरित्र बताया है। तो ये बड़ी खबर है। एफआईआर में अजीत के साथ 15 अज्ञात पर भी केस दर्ज हुआ है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और उन पर एफआईआर। वहीं इस पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी इसे साजिश बता रही है, तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का चरित्र बताया है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर अपहरण मारपीट धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर युवक का अपहरण कर मारपीट करने की एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर जी हैं। सर, सबसे पहले प्रतिक्रिया कि आपके सांसद का बेटा ही मारपीट कर रहा है? आप लोग जानते हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव है, अवधेश जी वहाँ के लोकप्रिय नेता है, इधर उनका नाम और बड़ा है, सम्मान और बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, इसलिए दो राज्यों के चुनाव जब हुए तो उनके साथ उपचुनाव घोषित नहीं हुए, सीटें रिक्त थी फिर भी नहीं हुए। मुख्यमंत्री के एक सलाहकार पूर्व आईएएस पूरी ताकत के साथ पुलिस प्रशासन और वहां की मैपिंग करके लोगों को किसको मनाना है, किसको डराना है, किसको धमकाना है की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने ये बात का खुलासा कई चैनलों पर किया था कि कौन कर्मचारी रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको मुकदमे में फंसा सकते हैं, ये सब चीज़ हो रही है। तो मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए थी और जांच होने के बाद कुछ सामने आता तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मेरी जानकारी में अभी ऐसा कोई घटना नहीं हुई है जिसके लिए बहुत मुकदमे की बाजी की जरूरत पड़े, लेकिन सरकार को बहुत जल्दी है और सरकार को ये जल्दी है कि केवल पॉलिटिकली लोगों को टारगेट करके हम किसी तरह उपचुनाव में कुछ पा जाएं। जनता भी ये बात समझती है, हम लोग भी समझते हैं और सब लोग उसी के हिसाब से मन बनाएंगे। सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, पुलिस उनकी है, वो जितना दमन करना चाहें करें। 24 में भी सरकार प्रशासन के आधार पर जीतना चाहते थे, नहीं जीत पाए। 27 में जनता और तेजी से उनके खिलाफ खड़ी होगी। वही भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है इस मामले को लेकर, सुनिए। जब जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ताकत बढ़ती है राजनीतिक रूप से, तब तब उनका मूल चरित्र सामने आ जाता है जो अपराध और बलात्कार का है। और अयोध्या में प्रभु राम की नगरी में उनके सांसद अनाचार कर रहे हैं। पहले मुईद खान को संरक्षण दिया, अब उनके बेटे का जो गुंडा वसूली का विषय सामने आया है उस पर FIR दर्ज कर ली गई है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कोई भी अगर कानून को हाथ मिलेगा, चाहे उसका पिता सांसद भी हो, तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, कार्रवाई भी होगी और उत्तर प्रदेश को गुंडों के हवाले नहीं छोड़ा जाएगा। तो बीजेपी की प्रतिक्रिया, मनीष शुक्ला को अभी आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, संतोष शर्मा का रुख करेंगे। संतोष हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए। संतोष, ये पहले बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, ये किस मामले के तहत उन पर FIR दर्ज किया गया है, क्या कहा गया है तहरीर में? देखिए, जो अयोध्या की नगर कोतवाली थाना क्षेत्र है वहां पर रवि कुमार तिवारी ने ये FIR दर्ज करवाई है। रवि कुमार तिवारी का कहना है कि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ने अपने साथी राजू यादव और श्रीकांत राय के साथ 10-15 लोग आए, उनका गाड़ी में अपहरण कर लिया, उनके साथ मारपीट की, उनसे पैसा वसूलने की कोशिश की और एक पूरे तरीके से कि ये जमीन के लेन देन का मामला है। जमीन के विवाद में अजीत प्रसाद ने जो वादी है रवि कुमार तिवारी उनका अपहरण किया था, मारपीट की थी, इसी पर तहरीर दी गई थी। और अब ये FIR नगर कोतवाली जो शहर कोतवाली है अयोध्या की, उसमें क्राइम नंबर 528/2024 के तहत ये FIR दर्ज कर ली गई है। ये FIR दर्ज हो चुकी है, बड़ी उहापोह चली क्योंकि प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर भी था। एक तरफ पीड़ित की FIR दर्ज करने के, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उदय प्रसाद का बेटा नामजद हो रहा था, लेकिन अयोध्या पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। अब इस पूरे मामले में जांच जो नगर कोतवाली इंस्पेक्टर है उनको दे दी गई है, वो इस मामले की जांच कर रहे हैं।